हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई स्टडी पे। तो आज मैं फिर से लाई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन का टॉपिक है एप्लीकेशन टू कॉन्डर्न द शॉर्टेज इन अटेंडेंस। अटेंडेंस माफ़ करने के लिए जो एप्लीकेशन लिखी जाती है, मैं उसको बताने वाली हूँ आज लिख कर आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो फॉर्मेट होता है, बेसिक फॉर्मेट, वो मैंने पहले से लिख दिया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट हम लिखेंगे इन रिलेशन टू कॉन्ड ऑन द शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हम अपना डालेंगे सर और अपनी एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आई beg to state that in the previous year of my sorry in the previous year I have been punctual in the college या school the school and I passed my previous examination with good marks। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने पहले की बात की है कि I beg to state that previous year में मैं बहुत पंक्चुअल था और मैंने अपना प्रीवियस एग्जामिनेशन बहुत अच्छे गुड मार्क्स से वो करा है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसके लिए। सो बात करते हैं अपने टॉपिक की। दिस ईयर आई हैव सफर्ड अ लॉट ड्यू टू, अब आप कोई भी कारण दे सकते हैं, ड्यू टू मलेरिया, ड्यू टू डेंगू, या फिर ड्यू टू कोरोना वायरस। तो मैं यहाँ पे अपना ऑप्शन दे रही हूँ मलेरिया, ड्यू टू मलेरिया फॉर 3 मंथ्स। आपका जितना भी आपकी अटेंडेंस में शॉर्टेज हुई होगी उस टाइम पीरियड को आप इसमें मेंशन करेंगे कि इतने टाइम के लिए मैंने क्लास अटेंड नहीं करी है। तो अपना टाइम ज़रूर मेंशन करें या फिर डेट मेंशन करें, एंड उसके बाद कारण दें। एंड इट हैज़ क्रिएटेड अ शॉर्टेज। तो जाहिर सी बात है, इतना दिन आगा हो गया तो अटेंडेंस में शॉर्टेज आ गई है। तो आप लिखेंगे इट हैज़ क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन माई अटेंडेंस। दिस ईयर, तो आप इस साल को मेंशन करेंगे कि दिस ईयर मेरे अटेंडेंस में शॉर्टेज आ गई है, विच आई हैव कम टू नो फ्रॉम द नोटिस बोर्ड। जैसे अगर आप ये लाइन नहीं मेंशन करना चाहते तो कोई बात नहीं,
वरना ये मेंशन कर दे कि नोटिस बोर्ड से आपको ये पता चला है कि आपकी अटेंडेंस में बहुत ही शॉर्टेज है। सो आप फिर यहाँ लिखेंगे आई एम सबमिटिंग सबमिटिंग माई मेडिकल सर्टिफिकेट। Along with this application, application kindly count on the shortage of attendance of my attendance and allow me to appear at the coming examination। तो मैंने पूरा लिख दिया है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए तो मैंने इसको पूरा लिख दिया। होप यू विल बी वेरी काइंड इन द कंसिडरेशन ऑफ माई रिक्वेस्ट, थैंकिंग यू। तो ये पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो फॉर्मेलिटी होती है योर्स ओबीडियंटली वो आप डाल लीजिएगा। तो ये पूरा एप्लीकेशन है, मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ आपको। आई बेग टू स्टेट दैट इन द प्रीवियस ईयर आई हैव बीन पंक्चुअल इन द स्कूल एंड आई पास्ड माई प्रीवियस एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स। दिस ईयर आई हैव सफर्ड अ लॉट ड्यू टू मलेरिया फॉर 3 months एंड इट हैज़ क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन माई अटेंडेंस दिस ईयर विच आई हैव कम टू नो फ्रॉम द नोटिस बोर्ड। आई एम सबमिटिंग माई मेडिकल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन काइंडली कॉन्डर्न द शॉर्टेज ऑफ माई अटेंडेंस एंड अलाउ मी टू अपेयर एट द कमिंग एग्जामिनेशन। होप यू विल बी वेरी काइंड इन द कंसिडरेशन ऑफ माई रिक्वेस्ट, थैंकिंग यू। सो ये पूरी एप्लीकेशन है गाइज। अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।